जैस्मिन, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि लोग ना, मतलब मेरे को नहीं पूछना, ऐसा लोग पूछ रहे हैं फोटोज पे, रील्स पे, और जो हम यूट्यूब वीडियो डालते हैं उस पे, कि जैस्मिन आपकी गर्लफ्रेंड है, जैस्मिन आपकी गर्लफ्रेंड है। नी मैं डाकू एक नंबर दा, हाँ जेड़ी चीज रखे हो लुट लेना। जैस्मिन ये एक मुर्गे की दुकान खोल और आज हमारे शूट पे काफी दिनों बाद आई है जैस्मिन। तो आज हम बहुत टाइम बाद मिले हैं शूट के लिए, आप 6 महीने बाद। हाँ, 6 महीने बाद आप लोग कमेंट करते रहते थे कि जैस्मिन के साथ वीडियो बनाओ, जैस्मिन के साथ वीडियो बनाओ, लेकिन जैस्मिन बिजी थी। मैं बिजी नहीं थी, मुझे बुला नहीं रहा था वीडियो में। झूठ झूठ, सच गाइस सच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जैस्मिन ने थोड़ा ब्रेक लिया था यूट्यूब से, तो इसने कहा था हम थोड़े टाइम बाद शुरू करेंगे। बता दो सब। चलो इसे तो हटाओ, ये बताओ जो इस बार वीडियो शूट कर रहे हैं वो कैसी है? अच्छी है, फनी है बहुत। मतलब अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई है उसमें आई गेस सबसे ज्यादा फनी यही वाली है। यही वाली है, राइट। बाकी अभी लग रही भूख, पहले खाना खा ले कुछ। हाँ, प्लीज खाते, क्योंकि ये शूट भी करना, व्लॉग भी करना, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये टॉप फ्लोर से व्लॉग बन रहा है। छी छी यार, कितनी गंदी बातें कर रहे हो तुम, ऐसे कौन बात करते है? अरे बापू, इसमें क्या गंदी बात है, ये काम तो सब लोग करते है। फ्रेम तो सही लग रहा है। तो गाइस, भूतों की बात चल रही है, फिर मैं उठ के खाना खाने के बाद घर पे मुझे ऐसा 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 कर रहे, कह रहे ये गांव ये लोग ना, ये सीन है, ये ऐसे ऐसे मजाक कर। मैंने कभी कुछ ऐसा डर लग रहा तेरे को? नहीं करो, क्या अच्छी बात है, कभी मत करो। मैंने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया भूतों वाला। और दादू के दादा आपने एक्सपीरियंस पता क्यों नहीं किया? बेसिकली ये चीजें उन लोगों के साथ ही होती हैं जो इसमें बिलीव करते हैं। आप बिलीव ही नहीं करते? मैं करती हूं। फिर मैं गलत हूं, फिर मैं गलत हूँ गाइस, फिर तो कुछ ना कुछ हुआ होगा। भूत भूत होते हैं, they exist। हाँ, मैं करती हूँ बिलीव, बट मैंने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। तो आप करने चाहते हो? हाँ। तो आज कुछ करें हम? मैं उसको भूत नहीं बोलता, मैं जेन्युइन एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मुझे भूत से बनाए करते हैं वो, करो ना, क्या करते हैं वो, क्या मिलके डराओ। अच्छा, भूत से बुलाते हैं उसे एक्सपीरियंस करते। अगर कोई बंदा है जो जैस्मिन का भूतों से कांटेक्ट करवा सके तो प्लीज हमें कांटेक्ट जरूर करना, बिकॉज जैस्मिन को सच में एक्सपीरियंस करना है ना जैस्मिन? हाँ, मुझे सच में एक्सपीरियंस करना के आप के भूत, मतलब किस टाइप का एक्सपीरियंस करना है, भूत क्या चाहते? मुझे कुछ फील हो कि कुछ है पास में, नहीं हो ना, लेकिन मुझे कुछ दिखे ना, बस दिखे फील ना हो। कि हाँ बस। अगर ऐसा हो गया ना तो ये इतनी तेज भगेगी, ये चप्पल छोड़ भगेगी, जो आपने देखो ना भगते चप्पल निकल जाती है। अगर कहीं से मीम मिलेगा तो मैं लगा दूंगा। मैं हॉरर मूवीज भी देख लेती हूँ बिना चिल्लाए। मुझे इतना डर नहीं लगता, लेकिन मैं अकेले होंगी तो। ओ, अब समझा मैं, आप डरने वालों में से नहीं, डराने वालों में से हो। है ना? मैं शायद अकेले हूँ तो फिर डर लग सकता है। आप लोग हो, मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना है, लेकिन कोई हो मेरे आसपास, ऐसा नहीं कि कोई भी ना हो घर में, लेकिन मुझे ऐसा फील हो कि कोई है बट कोई नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ? इतनी भूतों की बातें कर क्यों रहे हो? अरे पता क्या होता है जैस्मिन, अगर हम भूतों के बारे में बात करेंगे ना तो फिर जो आसपास नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, उनको लगता है हमारे बारे में बात हो रही है, चलो मैं नहीं होता है, फिर आ जाती है वो। अब तुम जिसके बारे में बात करोगे तो आ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो तुम एक दूसरे दिखा दे, जैस्मिन तुम मुझसे मिलना चाहती थी ना, ले मैं आ गई। नहीं, जैस्मिन मिरर में देखी, और तुमसे मिरर वाले जैस्मिन बोलने लग जाए। यार ये तो स्कैरी हो सकता है, पूरे घर में कोई ना हो, मैं नहीं करूंगा। नहीं, जब आप बस कुछ आप अपने आप क्यों और क्या ऐसी होता है और पता क्या। तो गाइस, सीन ऐसा है कि विशाल तो भूतों से बहुत डरता है, मैंने देख रखा है, इसकी बहुत फटती है। अगर हम इस फ्लैट में इसको अकेला छोड़ जाए ना तो ये यहाँ रुक ही नहीं सकता। बाकी जैसवाल फ्लैट में अकेला रह लेता है, मैं भी अकेला रह लेता हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। जैसवाल डरता, थोड़ा बहुत डरता है, लेकिन ये इंसान जो इतना बन के दिखा रहा है कि डरता नहीं हूँ, ये इतना डरता है, ये इतना डरता है कि किसी ने छींक भी मार दी ना तो ये बिल्डिंग के बाहर जाके खड़ा हो जाएगा। रात को लाइट जला के सोता है। हाँ, ये रात को लाइट, फोन में गाने सब बजा के सोता है। फोन में गाने बजा के सोते? तुम फोन में गाने बजा के सोते? ताकि भूत की आवाज ना आए, ताकि भूत की आवाज। हाँ, तो भूत की आवाज ना आए। तो गाइस, जैस्मिन के साथ मेरी बहुत सारी रील्स आने वाली हैं। तो जैस्मिन बताओ, हमने कितनी रील शूट कर ली? 200 रील शूट कर ली है। जैस्मिन ने आपको बताया तो हमारी बहुत सारी रील्स आने वाली, तो मुझे और जैस्मिन को दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यूजर नेम बताओ, जैस्मिन बत्रा और मेरा अनिकेत बेनीवाल। तो जाओ हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और हमारी रील्स को शेयर करो।
कीप सपोर्टिंग कीप लविंग। क्या मांग रहे हो? कैमरा दूसरा तीसरा तीसरा कैमरा। ओहो दो दो कैमरे से शूट करोगे? तीसरा चार्ज पे लगा हुआ ना, बिग प्रोडक्शन बिग प्रोडक्शन बिग प्रोडक्शन। अनिकेत धन्यवाद। बस ये रिंग लाइट और हटानी है, स्टिक लाइट तो हो रही, रिंग लाइट हटानी, थोड़े टाइम बाद हटा देंगे। सॉरी इधर जैस्मिन को सॉरी बोलो ना, माफ कर दो मैम साहब। पब्लिक को तो पता नहीं लेकिन तुम सॉरी, छोटा नमस्ते नहीं बड़ा नमस्ते। पर पब्लिक को तो पता नहीं तुम सॉरी किस लिए बोल रहे हो। सॉरी इसलिए बता दो विशाल को, तुम सॉरी आपकी ज्यादा तो बता दो। प्लीज बताओ बताओ बताओ। तो मेरे भाई और बहनों मैं सॉरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जैस्मिन जी को एक बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया दिया था कि वो बताओ बिजनेस आइडिया बताओ। एंड द बिजनेस आइडिया वाज कि हमारी जैस्मिन जो जी है ये एक जैस्मिन जजो जी है जैस्मिन जजो जी जो है जैस्मिन ये एक मुर्गे की दुकान खोल रहे मुर्गे की दुकान खोल ले अच्छा। अभी नहीं नवरात्र के बाद तो बहुत बढ़िया चलेगा बेहतरीन। और अब ये बिजनेस आइडिया विशाल खुद अडॉप्ट करने वाला है इन द नियर फ्यूचर। एग्जैक्टली मैंने लोकेशन भी देख लिया है मेरे और विशाल ने नाम भी सोच लिया है विशाल मीट वाला हरे ताजे चिकन मिलेंगे सिर्फ विशाल मीट वाले। हरे भरे ताजे हरे भरे मीट मिलेंगे मीट नहीं सॉरी मुर्गे मिलेंगे विशाल चिकन शॉप कॉर्नर। ओ ये नाम तो रहा है विशाल चिकन क्या था क्या बोला शॉप कॉर्नर यही तो ऐसे तो नाम होते हैं उल्टे सीधे डन। ठीक है तो जिस भाई को भी चाहिए वो चिकन बता देना मुझसे कॉन्टेक्ट करे करे। ये क्या कर रहे हो मेरा व्लॉग तुम बना रहे हो? यस। पेमेंट नहीं मिलेगी ब्लॉग की? ठीक है करे गाइस ब्लॉग की मुझे नहीं मिल रही ब्लॉग चैनल। जैस्मिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि लोग ना मतलब मेरे को नहीं पूछना ऐसा लोग पूछ रहे हैं फोटोज पे रील्स पे और जो हम यूट्यूब वीडियो डालते हैं उस पे कि जैस्मिन आपकी गर्लफ्रेंड है जैस्मिन आपकी गर्लफ्रेंड है। मैं तो बोल बोल के थक गया एक बार तुम समझा दो इन्हें। मैं अनिकेत की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। यस यस हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये क्या मेरी लाइन कॉपी कर रही हो? बट तो गाइस बस बात ये है हम साथ में काम करते हैं वीडियोस बनाते हैं ऐसा कोई सीन नहीं है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है हम सब अच्छे फ्रेंड्स हैं। हाँ बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कर रहे हो आप? मैं तुम्हारे लिए टॉयलेट पेपर भर रही हूँ। ये देखो कितना दिखाइयो अनिका दिखाइयो ये देखो भाई ये जैस्मिन को पूरा टॉयलेट पेपर पे लिखना है। ये जैस्मिन इस पे लिख रही है जो जैस्मिन को खाने के लिए चाहिए। 1 घंटा लेट नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल। इसका भी व्लॉग बन रहा है। चलो मेरे भी व्लॉग आना कर स्टार्ट है तो गाइस ये है जैस्मिन का छोटा सा ऑर्डर। ये इसने इतना कुछ खाने को लिखवाया है देख रहे हो क्या क्या करना पड़ता है वीडियो के लिए। देख रहे जैस्मिन यार आप पहले इतना तो नहीं खाते थे अभी आप इतना खाने लग गए। 6 महीने में चेंज आ गया ना मुझे बहुत है अब मेरा एपेटाइट ज्यादा। इस ऑर्डर को लेते लेते ना मेरे कुनबे की सारी जायदाद बिक जाएगी। किसकी जायदाद? मेरे कुनबे की। कुनबा क्या होता है? ले कुनबा ही ना पता कुनबा मींस परिवार फैमिली खानदान। वो तो बोल के दिखा दो मैं डाकू एक नंबर दा हां जे चीज ते आको लूट लेना। नी मैं डाकू एक नंबर दा हां जेडी चीज ते आखियो लूट लेना लेना। सिंगर सिंगर के एपिसोड। तो ये थे हमारे आज का ऑर्डर और ये ऑर्डर जाता है कूड़े पानी में कट इट। सो गाइस आज है शूट का day 2 और हम सो के उठ चुके हैं। हमने तो जो हमें नाश्ता पानी खाना था हमने खा लिया लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जैस्मिन ने अपने खाने के लिए क्या क्या मंगाया है मतलब कुछ मंगाया है। लो देखो तो जैस्मिन ने मंगाया नूडल पराठे बिस्किट इसके अंदर पता नहीं क्या है और ये सब ये पनीर पैटी फिर नूडल फिर चॉकलेट फिर समोसे डाइट कोक चिप्स जूस और ये केक इतना इतना खाते हो ब्रेकफास्ट में और अचार भी है इतना अच्छा अचार पराठों के लिए इतना खाते हो आप और विशाल की ईंट ठोक रहा है यहाँ पे कुछ ये सरप्राइज है और ये कैची भी खाओगे ये कैची क्यों है यहाँ पे ये भी खाओगे तो ये है
जैस्मिन का ब्रेकफास्ट। नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं है, खाने पीने का सीन है, वीडियो में आप देखोगे तो समझ जाओगे। इतना कहाँ खाएगी बेचारी, है ना जैस्मिन? आप इसमें से अगर आप खाना भी चाहो तो क्या क्या खा सकते हो? मैं इसमें से नूडल्स खा सकती हूँ। मतलब क्या क्या फिनिश क्या कर सकते हो? फिनिश क्या कर सकते हो? फिनिश तो चिप्स और कोक है। तो जॉन आप कैसे हो? मैं तो बहुत बेहतरीन बचपन से आपकी पढ़ाई हुई अच्छी। और ये आ गया है संजय, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, इससे मैं बात नहीं कर पाया था, चला गया था मनीष भाई के साथ। अच्छा यार बॉडी तो खत्म हो गई। कोई नहीं तो बना लेंगे, करें शूट, करें रेडी। चलो चलो जी, हो जाओ रेडी। तो फिर जैसे सेंटर पे आ जाए ना कैमरा, फिर मैं बोलूंगा स्टार्ट, तो मतलब कुछ भी ऐसे उठा के स्टार्ट करेंगे। वो सामने से क्लोज अप से बोले। तो बस अब ये हमारा सीन कौन सा है? लास्ट, सेकंड लास्ट। देन इसके बाद हमारा हो जाएगा पैकअप। इसके बाद बस एक और चेंज है ना, इसके बाद अब बस। हाँ, बस वो एंड वाले सीन के लिए। कौन सा? वही वाला, दीदी वाला। दीदी वाला ये दानेदार चिकन जी दिल्ली में गड्ढे चांद भाई गड्ढे होते हैं। चलो आप रैप करो, मैं बीट देता हूँ। देखो अंकल, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो प्लीज, मेरे इतने शूट होते नहीं है, महीने में मेरी दो ही वीडियो आती है, उसको भी हम कैंसिल करा उसको भी वो भी कैंसिल हो जाते हैं। और जैस्मिन एक बार किया था, क्या मैंने आपके शूट पे झूठ बोला था और मैं शूट पे आई थी, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट काम बताया था, ऑल्दो वो इम्पोर्टेंट था ही मेरे लिए, इनके लिए शायद ना होता तो मैंने झूठ बोल दिया। मैं आपके शूट का ही बोल के कहीं और गई थी। मैं इतना सब कुछ क्यों बता रही हूँ अपने बारे में? गाइस सब झूठ है, मजाक है। इसने मुझे बोला ये सब बोलने को, नहीं बोला आपने? बोल दो, नहीं बोला? मैंने नहीं बोला, झूठा। अंकल देखो, कभी तो आपको शक हुआ होगा, तो आज वो शक यकीन में बदल गया, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो। ठीक है अंकल, ब्लॉग नहीं देखते, सिर्फ वीडियो देखते हैं। तो मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे ही ब्लॉग का लिंक लगा दूंगा। अब तो आप फंस गए। पापा ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं अंकल, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ। झूठ बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल आई शपथ सच बोल रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा हूँ, रात अपना शूट खत्म हो गया था, लेकिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया बिकॉज बहुत ज्यादा थक गया था शूट की वजह से। और अभी हमारा शूट पूरा खत्म नहीं हुआ है, दो सीन रहते हैं अभी भी मेरे जैस्मिन के साथ, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया था दीदी के कैरेक्टर के लिए, वो आ नहीं पाई किसी वजह से, तो वो सीन रह गया जैस्मिन के साथ जो शूट होना था, तो वो हमने सैटरडे रखा है। सैटरडे फिर से इस वीडियो का शूट होगा और ये वीडियो मेरे चैनल पे बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी, पर अभी मैं टाइटल वगैरह कुछ भी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि संडे या मंडे तक इस वाले चैनल पे और मेरे इंस्टाग्राम पे ट्रेलर आ जाएगा, आप लोग ट्रेलर जरूर देखना। बाकी ये वीडियो सच में बहुत अमेजिंग है, आप जब देखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और यहाँ तक आपने ब्लॉग देख लिया तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि मैं और ब्लॉग्स बनाऊं या चैलेंजेस वीडियो बनाऊं या प्रैंक करूं या जो भी करूं एक्स वाई जेड, आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको मजा आ रहा है या नहीं। बाकी बाय बाय, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर